हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवन टेस्टी फूड्स। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू प्याज के पकोड़े। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है और इसमें मेहनत बिल्कुल कम लगता है। बारिश के मौसम में आप घर से बाहर नहीं जा सकते पर घर पर रह के पकोड़े बना सकते हैं। तो चलिए पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने आलू ले लिया है, आलू को धो के छोटे छोटे काट लिए हैं और ये प्याज को भी बारीक काट लिया है। तो एक बाउल ले लेते हैं, इसमें प्याज डाल देती हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आलू भी डाल देती हूँ। एक चम्मच मैंने ग्रेट करके अदरक ले लिया है, इसे भी डाल देती हूँ। और हरी मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अजवाइन है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको क्रश कर लेते हैं। तो इसे डाल देते हैं। ये मैंने एक चम्मच चावल का आटा है तो इसे भी ले लेती हूँ। इससे हमारा पकोड़ा बहुत क्रिस्पी बनेगा। और ये मैं बेसन डाल रही हूँ, बेसन अभी मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ। मुझे और लगेगा तो मैं इसमें और 1-2 चम्मच डालूँगी। तो पहले हम देख लेते हैं, ज़्यादा बेसन डाल देने से पकौड़ा थोड़ा सा ज़्यादा बेसन ही लगता है, पकौड़ा का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो थोड़ा कम लग रहा है तो इसमें मैं और 2 चम्मच ऐड कर देती हूँ बेसन। बस इसमें मैं हल्का सा पानी ऐड करूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, करीब 2 चम्मच सिर्फ पानी ऐड किया मैंने। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा जो डो है जो बाइंड अच्छे से हो रहा है, इसका मतलब इसमें और बेसन नहीं डालना है। तो इसको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देती हूँ मैं इसे। तब तक तेल गर्म कर लेते हैं। तेल हमारा अच्छा खासा गर्म हो चुका है, तब हम पकौड़े डाल देते हैं। इसको इस तरह से थोड़ा सा गोल शेप दे देते हैं। इसी तरह से सारा डाल देंगे हम पकोड़े। सारे पकोड़े मैंने अच्छे से डाल दिए हैं यहाँ पे। गैस का फ्लेम अभी हमारा मीडियम है तो इसे थोड़ा मीडियम फ्लेम में पकाएंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और ये देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, तो हम थोड़ा इसको पलट देते हैं इस तरह से। तो इसे अच्छे से पलट देते हैं। और ये हमारे पकोड़े बनके तैयार है। इसे मैं एक टिश्यू पेपर में निकाल लेती हूँ, इसी तरह से सारे निकाल लेती हूँ। और ये हमारे पकोड़े बनकर बिल्कुल तैयार है। आलू और प्याज के पकोड़े काफ़ी टेस्टी और काफ़ी ज़्यादा क्रंची बनी है। और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। बारिश का मौसम हो तो आप इसे बना के खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताएँ और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।